एक्चुअली हम हैं नांगल, पुरानी नांगल में, और पुलिस जो है वो बैरिकेड जो यहाँ पर रोड जो जाम किए गए थे उसको जो है वो खुलवा रही है। तो धरना यहाँ पर जारी है और जो पुलिस है वो यहाँ से रास्ता जो है खोलने की बात कर रही है और नोटिस इनको बनाकर जो है वो दे चुके हैं। और जो यहाँ लोग हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं कि जो रोड है वो यहाँ पे क्यों खुलवाया जा रहा है, जबकि आंदोलन अभी जारी है, बच्ची को अभी न्याय नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो है दिल्ली पुलिस जो है वो इनके साथ ये निंदनीय घटना जो है वो कर रही है, हरकत कर रही है कि इनके जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको उठाने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सभी जो है यहाँ पर आक्रोशित में है कि जो जाम है वो क्यों खुलवाया जा रहा है और जो बैरिकेड है वो यहाँ से क्यों खोले जा रहे हैं। क्या हमारे को दे दो, क्या हम मजबूरन अपने विकास जी क्या क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? हो तो बहुत कुछ रहा है, एक इस देश के अंदर एक सीख तो मिल गई है मुझे कि इस देश के अंदर रहना ना, अगर कोई क्राइम करता है उसकी तो है बल्ले बल्ले, जो क्राइम करता है, जो गुंडे बलात्कारी जो भ्रष्टाचारी है उन लोगों की जय जयकार है, और जो इन लोगों के खिलाफ नन्ही बच्चियों के हुए दरिंदगी उनको न्याय दिलाने के लिए जब हम लड़ते हैं हमारे जैसे लोगों के स्टेज तोड़ दिए जाते हैं, धमकी दी जाती है, भाई साहब आज तो जान स्टेज के ऊपर चढ़ के जान से मार के धमकी देने की तक की नौबत आ गई। और ये देखिए इतनी नौबत ही क्यों आती है कि रोड जाम हो, अगर पुलिस प्रशासन अगर अपना सही से काम करे, अगर मुजरिमों को तुरंत गिरफ्तार करे, अगर सुनवाई करे, पीड़ितों को न्याय दिलाए, तो ये रोड पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल जो मुद्दा है अंजना भाई जी, आपकी लड़ाई अभी बहुत लंबी है, जो मुद्दे है वे उठते रहेंगे। हाल फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है, ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि इसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए यहाँ से, क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आता है। आप सुनिए मेरी बात, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आप धरना नहीं दे सकते, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बलात्कार जरूर हो सकते हैं। ये वो कैंटोनमेंट बोर्ड जोन है जहाँ बलात्कार तो हो सकते हैं, लेकिन एक नन्ही बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई और जलती हुई चिता के ऊपर उसके ऊपर बॉडी रख दी, बॉडी रखने के ऊपर फिर उसके बाद लकड़ी रख के उसको जलाया गया, गैर मौजूदगी माँ बाप के, उन माँ बाप के जी पे क्या बीती होगी जब हमारा इतना खून खोल रहा है, हम उस बच्ची के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप खुद देखिए ये शासन प्रशासन। अभी आपसे अभी आपने जो थाना अध्यक्ष साहब हैं उनसे क्या बात हुई आपकी? थाना अध्यक्ष साहब ने तो हमारे हाथ में ये दे दिया, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इसको खाली करना पड़ेगा। अभी उन्होंने अभी हमने बात की, हमारे एडवोकेट साहब है, हमारे वकील साहब है, उन्होंने बात की है कि एकदम से ऐसे कोई खाली नहीं हो किया जाता। बाकी आप एडवोकेट साहब ने उनसे बात भी करी है।